नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फेस क्लीनअप बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपको करना है। अगर आप मेकअप करवाने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो उससे पहले का क्लीनअप कैसे करते हैं, और अगर वैसे भी कई बार हम मेकअप नहीं करते तभी भी हमको ज़रूरत होती है अपने फेस को क्लीन करने की, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसा करना है। तो सबसे पहले चलो हम क्लीनअप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो क्लीनअप करने के लिए सबसे पहले हमें वाइप्स चाहिए होते हैं, जो इस तरह के हैं। आप कई तरह के वाइप्स आते हैं, अगर आप चाहो तो ये वाले भी ले सकते हैं, इस तरह से आता है, इसको चाहिए होता है। और क्लीजिंग मिल्क चाहिए होता है, इस तरह से प्योर रूट्स का है ये। और उसके बाद चाहिए होता है स्क्रब, ये भी प्योर रूट्स का ही है, ये कंपनी बहुत अच्छी होती है। और मैं ये कंपनी ब्लीच वगैरह लगभग सारे कुछ यूज़ करती हूँ इसी कंपनी का, प्योर रूट्स का अच्छा होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो चलो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना जो फेस है उसको क्लीन किया हुआ है पानी से, और इसके बाद मैं करूँगी स्क्रब। तो आज है 30, तो 30 पे मैं करने जा रही थी मेकअप, तो मेकअप से पहले क्लीनअप करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं क्लीनअप भी कर रही हूँ। और अगर आप स्क्रब इससे 2-3 दिन पहले किए हो तो आप स्क्रब मत करिए, सिर्फ क्लीनअप करिए, मतलब इससे क्लीजिंग मिल्क से। और अगर आपको ज़रूरत लगती है कि हाँ हमें स्क्रब भी करना है तो आप इससे कर सकते हो, क्योंकि मैं 10-15 दिन हो गया मैं स्क्रब नहीं की हूँ तो मेरे को स्क्रब भी करना है। तो सबसे पहले हम स्क्रब करेंगे, तो चलो सबसे पहले अपने बाल को समेटते हैं फिर आपको करने को बताते हैं। तो यहाँ मैं प्योर रूट्स का स्क्रब ली हूँ और इसे चेहरे पे अप्लाई करूँगी, सबसे पहले हर जगह और नेक पे भी आपको ज़रूर इस पर अप्लाई करना, क्योंकि नेक पे भी डर्ट वगैरह थोड़ा सा चिपक जाते हैं, और जो हमको पता नहीं लगता है पर होती है थोड़ी बहुत गंदगी, तो उस पर भी अप्लाई करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आइज़ के पास में भी, यहाँ पे मैं मतलब बराबर अच्छी तरह से करना चाहिए, डार्क सर्कल्स नहीं होते, और थोड़ी सी मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट दिखाई हूँ और थोड़ा लग रहा रगड़ रगड़ के करना है, पर नहीं है, हल्के हाथों से करना है इसको, नहीं तो मतलब स्क्रैच वगैरह पड़ जाता है, मतलब स्किन पे कई बार खिंच लग जाती है, तो कई बार अगर आप ज़्यादा रगड़ देते हो मतलब तो निशान पड़ जाते हैं जिसको बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से आपको करना है। और यहाँ पे देखिए मत्थे वगैरह पे बहुत अच्छे से कर रही हूँ, 5 मिनट तक आपको रुकना है, उसके बाद 5 मिनट के बाद आप एक बार फिर स्क्रब को हल्का सा मतलब हाथ फेर लीजिए पानी लगा के, क्योंकि इसको 5 मिनट छोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें जो भी क्वालिटी है आपके स्किन में समा जाए और मतलब थोड़ा क्लीन बनाए, और जो आपके मतलब ब्लैकेट्स हैं उसको भी थोड़ा सा उभारे, फिर आप जिससे रगड़ो फिर आपका निकल जाए। इसके बाद अब मैं क्लीजिंग मिल्क ले रही हूँ, तो इसको आपको भी उसी तरह से चेहरे पे अप्लाई करना है इस तरह से, और उसके साथ आपको लेना वाइप्स। तो वाइप्स अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम हाथ से ही अच्छे से चेहरे पे फैलाएंगे और हल्के हाथों से मसाज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा आधा जो मिट्टी वगैरह जो भी लगे हमारे फेस पे वो तो पहले ही निकल गए, और जो क्लीजिंग है इससे भी हमारा जो हमारा थोड़ा सा बाकी होता है वो भी निकल जाता है, जो डर्ट्स वगैरह बाकी होते हैं, और बाकी जो हमारा फेस होता है उसको सॉफ्ट बनाता है। जैसे हम मेकअप करने जा रहे हैं तभी भी इस तरह अगर कर लेते हैं तो हमारी स्किन को मतलब एकदम सॉफ्ट रखेगा। तो इसको हल्का सा मसाज करने के बाद आप इसको क्लीन कर लीजिए जितना भी है, सारा आइज़ के पास से, नोज़ के पास से, सारा ही। और इसमें अगर आपके चेहरे पे डर्ट्स वगैरह होंगे ना तो निकाल देगा, जो हल्का फुल्का होगा तो एक कॉटन से वाइप्स से एकदम निकल जाएगा, बट मेरे नहीं है, मेरा थोड़ा बहुत था, मैं अक्सर करती रहती हूँ ये ऐसे छोटी छोटी टिप्स घरेलू नुस्खे, तो इसलिए मेरे नहीं है, तो आप कर लीजिएगा इसको। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते होंगे कितना सॉफ्ट एंड शाइनिंग हो गया है, और आप लोग वाइप्स को भी देख सकते हैं, इस पर कोई भी गंदगी नहीं है, कोई भी मिट्टी वगैरह नहीं है, क्योंकि मेरा जो स्किन है, स्किन पे का जो पहले से जो थोड़ा बहुत अगर मिट्टी वगैरह रही होगी हल्का सा गंदगी, वो हमारा स्क्रब से ही निकल गया है, तो इसलिए इस पर नहीं आया। तो आप लोग भी ऐसे ही क्लीनअप करें चेहरे का, और इससे आपके जो मतलब दाग धब्बे होंगे वो भी साफ़ हो जाते हैं, और स्क्रब से जो आपके ब्लैकहेड्स होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं,
कुछ नहीं है, डार्क सर्कल्स वगैरह भी नहीं आते। और ज़्यादातर ना यहाँ सब ध्यान देना होता है, कई लोग क्या होता है करते हैं पर आइस वगैरह पे नहीं करते हैं, पर हमें करना चाहिए स्क्रब वगैरह आइस पे भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम साबुन वगैरह भी करते हैं ना तो आँखें खूब तेज़ी से बंद करके करते हैं ना, तो हमारी जो ये सब चीज़ छिप जाती है, तो यहाँ पर हल्का वगैरह मिट्टी जम ही जाता है जो हमें नहीं पता लगता। तो इसलिए जब आप मुँह भी धुले तो पहले तो चलो आपने बंद कर लिया, जब बाद में करें तो उसको अच्छे से इसको रगड़ के क्लीन करें कि यहाँ सब ना हो। और बाकी सही है, अब हमारा जो फेस है वो मेकअप के लिए पूरा रेडी है। तो अभी इसके बाद मैं मेकअप करने वाली हूँ, तो इसकी भी वीडियो आपको अगले ब्लॉग मतलब वीडियो में मिल जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ऐसे ही ब्यूटी टिप्स मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी। ओके बाय बाय।